फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा DIY बनाकर दिखाऊंगी, और वो भी उस चीज़ से बनाऊंगी जो आपके घर में वेस्ट ऐसे ही पड़ा रहता है। देखिए, मैंने ये बहुत सुंदर पॉट बनाया है। देखिए, मैंने ये अपने आप ही बनाया हुआ, और कुछ भी चीज़ इसमें नहीं लगी हुई है। जो भी मटेरियल इसमें लगेगा या जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रोप है, ये जूट वाली रोप है। एक सीजर चाहिएगी और ये फेविकोल, ठीक है फ्रेंड्स। और आप सोच रहे होंगे ये मैंने किस चीज से बनाया है। देखिए दोस्तों, हम कभी कभी क्या करते हैं, दुकान में से इस तरीके का जो है दही का कंटेनर लेके आते हैं। देखिए, ये आनंदा दही है, इस तरीके का पॉट लेकर आते। मैंने देखिए ऑलरेडी देखिए इसमें होल किया हुआ है, ड्रेनिंग होल किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो चलिए दोस्तों इसको बनाना सीखते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बनाइएगा ज़रूर और बनाकर देखिएगा। फिर मैंने क्या किया है, इसको इस तरीके के पॉट को बनाकर मैंने एक छोटा सा हैंग भी बनाया हुआ है, यानी कि जिसमें इसको मैं हैंग करती हूँ। ये देखिए, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इसको हैंग कर सकते हैं या आप टेबल पे भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर लेंगे, और क्या करेंगे, रोप लेंगे। तो मैंने ये ग्लू ले लिया है, ये फेविकॉल है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें ग्लू लगा लेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से इसमें ग्लू लगा दिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से ग्लू लगा दिया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये रोप लेंगे, इसका स्टार्टिंग पीस लेंगे, और इसको आपको क्या करना है, ये जो होल है इसके चारों तरफ आपको धीरे धीरे इस रोप को घुमाना है, यानी कि सबसे पहले हमें इसका बेस बनाना है। थोड़ा सा अभी ये गीला है, इसलिए ये सेट होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो हम सबसे पहले इसका बेस बनाएंगे धीरे धीरे करके, पहले हम इसी को ही सेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा इसका बेस जो है इस तरीके से कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी देर रिलैक्स करने देंगे, यानी कि सूखने देंगे, तब हम इसके बाद में थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। तो हम दोस्तों इसको सूखने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बेस मेरा जब सूख गया तो मैंने इसको, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको पूरा कर दिया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके से। और मैंने क्या किया है, इसको हैंग बनाने के लिए छोटा सा ये जो है इसके लिए हैंगर बनाया है। आप देख सकते हो मैं इसको कैसे हैंग करूँगी। मैंने ये जूट का ही बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे बनाया है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए, इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसको सेट कर देंगे। अभी ये थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको हैंग कर दिया। और फ्रेंड्स देखिए, ये घर में बेकार ही पड़ा था, लेकिन मैंने इसको अपने यूज़ में ले लिया। अब मैं बहुत ही छोटा सा एक इंडोर प्लांट इसमें लगाऊंगी। जो भी मैं इंडोर प्लांट लगाऊंगी, आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने कौन सा इंडोर प्लांट लगाया है। इंडोर प्लांट के लिए ये प्लास्टिक के बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अच्छा लग रहा है ना, हमारा DIY तैयार हो गया है। और छोटा सा
मिनी पॉटर भी रेडी हो गया है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।